आज ये नेक बैंड आया हमारे पास, तो इसका जो एक स्पीकर है ये बंद हो गया है, तो इसको कैसे चेंज करना है अभी हम आपको दिखाते हैं। इसको चेंज करने के लिए पहले इसको खोलना पड़ता है, तो इसको ज़रा वजनदार कोई चीज़ लेके अगर इसके ऊपर आप मारोगे तो ये खुल जाता है, ये ऐसे निकल जाता है। देखिए इसका जो स्पीकर था वो इसमें अलग हो गया है, तो अभी ये स्पीकर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये जो स्पीकर है ये तो ख़राब हो चुका है, तो ये हमने एक पुराना ईयरफोन स्पीकर निकाला है, तो इसको भी उसी तरीके से मार के खोल लेना है। इसको जैसे अब वजनदार चीज़ से मारेंगे तो ये खुल जाता है। ये खुलने के बाद में ये जो इसके वायर है इसको यहाँ से निकाल के यहाँ सोल्डर करना है। तो जैसा कि अभी हमने ये स्पीकर इसमें से निकाल लिया है, अभी ये हम इसमें लगाने वाले। लगाने के पहले आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये ऐसे मीटर लेना है, इसको ये कंटिन्यूटी पे रखना है। और ये जो स्पीकर के पॉइंट है देखिए, ये ऐसे आवाज़ आती है, मतलब ये स्पीकर हमारा चल रहा है। और ये जो हमारा जो नेक बैंड में लगा हुआ है ये उसको चेक करते हैं, देखिए ये नहीं चल रहा है। तो अभी हम ये वायर निकाल के दूसरे वाले ईयरफोन में लगा देंगे। इस तरीके से इसको सोल्डर कर लेना है। ये इस तरीके से सोल्डर हो जाता है। इसके बाद में जो इसकी कैप है तो इसके अंदर का जो ये स्पीकर का टुकड़ा था इसको निकाल लेना है, और उसके बाद में इसको इसमें ऐसे लगा के थोड़ा सा इसके ऊपर से ग्लू लगा के चिपकाना है। ये ऐसा ग्लू मिलता है मार्केट में, इसको लगा के चिपका देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन दबाएंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी हमने इसकी ये कैप को चिपका लिया है और इसका ये रबर भी लगा लिया है। अभी हमारा ईयरफोन रेडी हो गया है।